Hello friends, welcome back to our channel Reaction India. Today with us Tanja and we are going to react another video of Hanuman. जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने हनुमान को लेकर ना लगभग चार सॉन्ग पे हमने रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है और वो सब के सब एक से एक मास्टरपीस है। आज का जो होने वाला है वो कह सकते हैं मेकिंग ऑफ अचार। तो अचार कैसे बनता है उसका प्रोसेस भी इस वीडियो में दिखेगा। और मुझे पूरा हनुमान मूवी में सबसे अच्छा सॉन्ग यही लगा था। वैसे थे तो सारे, हाँ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कहते हैं ना, एक देख क्या कौन सा ज्यादा सही लगता है, मुझे ये वाला लगा था। वीडियो का टाइटल है अवकाया अंजनेया, सो लेट्स गो टू वॉच। Thank you.
आया था। अंजनाद्री गांव का ये पूरा सीन होता है और अंजनी माता का नाम था, अंजनी माता जो थी वो हनुमान जी की माँ थी। हाँ। में भी इसका नाम अंजनी होता है ना, नहीं हनुमान, तो हनुमान तो होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से रिलेट किया गया है। बट मुझे सबसे इसमें बेस्ट पार्ट ये लगा कि जो अचार बनाने का सबसे कैजुअल तरीका था ना, वो मतलब कुछ हटके था। और बगान में ही था। आम के बगीचे में जैसे आम के अचार बनाए जा रहे थे, आम तोड़े जा रहे थे, साथ में जो है कह सकते हैं जो बुरे लोग हैं उनको पिटाई भी हो रही थी। और मेरे को सबसे बेस्ट इसमें लगा ना कि सॉन्ग का लिरिक्स हाँ, एक लिरिक्स। नंबर है। तो दादी लोग थी, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अचार बनाया और बताया अचार बनता कैसे है। अचार ही बना दिया लोगों का। ना क्योंकि जब भी मैं अपने गांव जाता था या अपनी नानी के यहाँ जाता था तो मेरी नानी भी अचार बनाती थी, और वो चार पांच डिफरेंट तरीके के अचार बनाती थी। और वो पता है बहुत, अगर उनसे पूछो कि अचार कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो वो सारे अचार देती थी और उसकी रेसिपी भी बताती थी। उनको बड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। वो आम के, कटहल के, मतलब करौंदे के अलग अलग अचार बनाती थी। तो मुझे ये देख के याद आया कि भाई मतलब थोड़ा वो रिलेट कर सका मैं इस चीज को। बाकी इन लोगों ने वीडियो में क्या कर रखा है ना, फोटो वाला ग्राफिक्स वाला भी डाल रखा है और बीच बीच में लोग भी हैं वो तो रियल में ना, बहुत, हाँ मेकिंग दोनों भी दिखाई है। मेकिंग कर रखा है, तो आपस में मिक्स करके वो अच्छा लग रहा था काफी। चीज मैं और बोलना चाहूंगा, हमें पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें एक किसी ने, एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप जो है ये ओरिजिनल हिंदी में अवेलेबल है तो आप तेलुगु में क्यों रिएक्शन देते हो। तो तेलुगु में रिएक्शन देने का मेन रीजन ये है कि हम जो रूटेड लैंग्वेज है ना, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हमें वो ज्यादा बेहतर फील होता है तेलुगु से। जो क्योंकि जो ओरिजिनल होती है ना वो ओरिजिनल होता है, तो उसमें सुनने का अलग मजा है। और हमारा जो भारत है इतना डाइवर्स है, इतना कह सकते हैं इतना कल्चरल फुल है, तो उसी को उस मतलब बोलते हैं ना कि जैसा है वैसा ही देखो तो ज्यादा मजा आता है। तो यही बिल्कुल। रीजन है कि हम इसको गानों को कोशिश करते हैं कि जिस लैंग्वेज में है उसी में देखें। हम मूवी को तो पूरी नहीं देख सकते तो उसको हमें हिंदी में देखना पड़ता है, कोई समझ में भी नहीं आएगा ना पूरा का पूरा। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो गाने जिसमें ओरिजिनल, जो लिरिक्स जिसमें लिखी गई है, बाद में उसको हिंदी में लिख के फिर किसी और ने गाया होगा, लेकिन ओरिजिनल तो वो तेलुगु में लिखी गई थी। और वाइब भी तेलुगु वाली आ रही है ज्यादा तो अच्छी, अगर मैं बोलूँ। वैसे सुन रखा है हमने हिंदी वाला, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा मतलब मजा ये आता है वाला लग रहा क्योंकि था। मैंने इससे पहले एक सॉन्ग था सई पल्लवी का जैसे सरंग दरिया था, तो सरंग हाँ दरिया मैंने इतना सुना है और इतना मजा आता है सुन के, लेकिन उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, अगर उसके हिंदी लैंग्वेज जाते हैं तो फील ही खराब हो जाता है। ये, हाँ सही बात है। तो इस वजह से भी ऑल प्रेफर ओनली तेलुगु लैंग्वेज, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज। सो हमें तो बहुत मजा आया सॉन्ग, आप लोग बताइए आपको कैसा लगा सॉन्ग। मस्त मजा आया। अंजना अवकाया, हनुमान जी का दम दिखा इसमें। तो जिन जिन लोगों ने इस सॉन्ग मस्त देखा है, मूवी देखा है, एक्टिंग थी यार, लेकिन पता ये तो एक्टर ना, मैं आज इनकी मूवी पहली बार देख रही हूँ, तेजा इनके सॉन्ग, सज्जना। इनकी वीडियोस भी पहली बार देख रही हूँ, मतलब भाग गया इंसान कहते हैं ना, मुझे काफी अच्छा लगा। अभी ऑल तो गुड। 2025 का इंतजार है, वी ऑल आर वेटिंग 2025 जस्ट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट हनुमान एज अ बिग स्क्रीन एंड द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो हमें वो देखना है, तो हम चाहते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर और लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाकर। यस, मिलेंगे तो एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। बाय बाय।